उसको डिसोबे करेंगे और हम इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पूरी तरह से नेशनल रजिस्टर जो है सिटीजन NRC के साथ जुड़ाव में देख रहे हैं कि ना सिर्फ इनका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करने का प्लान था बल्कि उसको अब देश के पूरे हिस्से में हर एक जगह पर NRC को भी लागू करने का इनका प्लान है। और अगर NRC लागू होता है तो ये पूरी तरह से साफ है कि इस देश के अंदर मुसलमान जो है उस चीज़ स्टेटलेस हो जाएगी। मतलब आपने 1947 में आपके ही एंसेस्टर्स ने चूज़ किया था कि आपने भरोसा किया था भारत पे, भारत की हुकूमत पे, आप इस भारत के आसमान और इसकी ज़मीन पे रहना चाहते थे और आज उन्हीं से पूछा जा रहा है कि उन्हीं को ये बताए, उन्हीं के ही ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वो इस देश में। क्या मैम ये BJP आप जो जिन्ना की थ्योरी थी ट्यूनेशन की उसे अपना रही है? देखिए उस समय में भी ये शायद हिस्ट्री में लोगों को नहीं मालूम लेकिन सबसे पहले ट्यूनेशन थ्योरी जो था वो इन्हीं लोगों ने प्रपोज किया था, बाद में उसको लिया। लेकिन सबसे पहले तो यहीं पर इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या इनके बाकी के सामने जैसे नेता वो लोग ट्यूनेशन थ्योरी के सपोर्टर थे और बाद में मोहम्मद जिन्ना ने इस चीज़ को प्रपोज किया और बाकी इंडिया और पाकिस्तान बना। ये लोग तो उसके हमेशा से ही सपोर्टर रहे, इसीलिए आज जब ये लोग हुकूमत में आए हैं, आज सरकार में आए हैं तो पूरी तरह से संविधान को बदलने का, उसको क्रश करने का और अपना ट्यूनेशन थ्योरी को लागू करने का, नागरिकता को धर्म के नाम से जोड़ने का लोगों ने अपना प्रयास किया। क्या लगता है जो सेक्युलर पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है क्या उनकी आज कड़ी परीक्षा होगी राज्यसभा? देखिए अगर कोई भी पार्टी JDU हो या वो अकाली दल हो या वो SR हो या आपका DMK हो, ये सारी पार्टीज अपने आप को एक्सपोज कर देंगी और जितना इन लोगों ने मुखौटा पहना हुआ था कि ये लोग सेक्युलर हैं सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब ये लोग भी भरोसा रखते हैं तो पूरी तरह से उसके विपरीत में इतिहास इनको माफ़ नहीं करेगा, ये हम कह सकते हैं। देश के लोग भी इनको माफ़ नहीं करेंगे और हम लोग इस देश के अंदर अगर NRC को लागू किया जाएगा और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को हम इसको अपोज करेंगे और देश के सभी लोग अपोज करेंगे। जब अमित शाह कल स्पीच दे रहे थे अपने राज्यसभा तो उन्होंने कांग्रेस का बार बार नाम लिया, कांग्रेस भी ऐसे बिल कई बार पास करवा चुकी है। क्या बिल पास किया है? कभी भी नागरिकता को धर्म के नाम पे किसी ने नहीं छोड़ा और ये काम तो यही लोग हमेशा से करना चाहते थे, इन लोगों ने लागू कर दिया, लोकसभा में पास किया। और देखिए एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, क्योंकि अमित शाह का आपने नाम लिया तो मैं कहूँगी अमित शाह ने कभी बोला कि हम रिफ्यूजीज के साथ खड़े हैं, तो सवाल ये सामने आता है कि रिफ्यूजीज म्यांमार के भी है, रोहिंग्या मुस्लिम है, इवन अगर आप सच में अफगानिस्तान के अंदर रिफ्यूजी से पीड़ित हैं तो वहाँ पर शिया कम्युनिटी है और भी मुसलमान के अंदर जो बहुत सारी सेक्ट्स हैं वो लोग भी हैं, तमिलनाडु के अंदर अभी श्रीलंका से भगाए हुए तमिल भी हैं, ये लोगों को आप क्यों नहीं नागरिकता दे रहे? तिब्बत के जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि सवाल आपको नागरिकता या रिफ्यूजीज़ को स्टेटस को अच्छा करने का नहीं है, बस बात सिर्फ इतना है कि देश के अंदर कैसे मुसलमानों को स्वयं दर्जे का नागरिकता से भी नीचे गिरा दिया जाए, ये इनका साजिश है। अमेरिका एम्बेसी से बयान आता है कि जो ये बिल पास हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है, कि स्टेप है BJP सरकार का, और ये भी मांग आ रही है कि अमित शाह को बैन कर दिया जाए अमेरिका जाने। बिल्कुल मेरे हिसाब से तो अमित शाह को देश से ही निकाल देना चाहिए क्योंकि वो हमारे देश में रहने के लायक नहीं है। और ये सारे MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने कल लोकसभा में इसके पक्ष में वोट किया वो सब देश के संविधान से नहीं चल रहे हैं, वो देश का नुकसान चाहते हैं, देश का बुरा चाहते हैं। और हम लोग हमेशा इस चीज़ पर गर्व करते थे कि भारत में हर समुदाय का लोग, हर एथनिसिटी का लोग, हर तरह का लोग यहाँ पर आकर मिल बांट के बराबरी का अधिकार उनको संविधान में दिया गया है। आपने कल एक झटके में उसको खत्म कर दिया, एक झटके में जो हम प्रेस्टीज जो प्राइड लेते थे अपने देश में रहने का आपने उसको खत्म कर दिया, आप असल में इस देश में रहने के लायक नहीं। और मैं एक और बात बोलूँ, ये लोग जो कह रहे हैं कि श्रद्धालु जो आएंगे उनको रिफ्यूजी स्टेटस दिया है और बाकी अगर ऑल इंडिया NRC को लागू करेंगे तो उसमें अगर हिंदू बाहर हो जाते हैं या सिख बाहर हो जाते हैं या कोई क्रिश्चियन बाहर हो जाता है तो उनको कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम तो उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में उनको नागरिकता दे रहे हैं। ये गलत है, ये टेक्निकली फॉल्स है, लोगों को मालूम नहीं है। कैसे मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो अगर मैंने NRC में अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया और मेरी सिटीजनशिप वहाँ पर कैंसिल हो गई तो मुझे इस CAV बिल के थ्रू जाना पड़ेगा जिसमें मुझे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं या तो अफगानिस्तान से आई हूँ या बांग्लादेश से आई हूँ, पाकिस्तान से आई हूँ, पहले ही प्रूव हो गया कि मैं भारत के नहीं। दूसरा मुझे ये भी दिखाना पड़ेगा कि वहाँ पर मेरे साथ कोई ना कोई रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ था, इसको करना बहुत मुश्किल है। तो ये हिंदू विरोधी भी NRC है, गरीब विरोधी है। लोग जानना चाहते हैं इससे BJP को क्या फ़ायदा होगा इस बिल को लाकर, मतलब चाहते हैं इसकी मंशा क्या है? BJP को फ़ायदा यही होगा कि इस देश के अंदर धर्म के नाम पर जो नागरिकता दे रहे हैं आप, देश में इतना ज़बरदस्त जहर बोल दिया है मुसलमानों के खिलाफ और आज देश के अंदर इतना सारा उबाल भी देश है। अब देखिए कि देश के दो बड़े टीचर्स स्ट्राइक हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू IIMC जैसा इंस्टीट्यूट जो जर्नलिस्ट प्रोड्यूस करता है वो लोग स्ट्राइक हुए हैं,
मुद्दे हैं जीडीपी वगैरह या फिर साइकिल को लेकर, उसको दबाने की कोशिश तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए ये काई वॉश ध्यान भटकाने के लोग, ये काई वॉश है। आज आप नॉर्थ ईस्ट में भी देख लीजिएगा, आसाम के अंदर इतना गुस्सा है, वहाँ पर अभी आसाम बंद हुआ है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी छात्र इतना ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देश भर के अंदर आप किसी मुद्दे को संभाल नहीं पा रहे। जम्मू एंड कश्मीर को आपने बर्बाद कर दिया, वहाँ 3 महीने से वहाँ पर आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर दी। नॉर्थ ईस्ट में खबरें आ रही है कि वहाँ पर आगजनी हो रही है, लोग गुस्सा है, कहीं दुकानें बंद हैं, कहीं रास्ते कहीं आग भी लग रही है, क्या लगता है एक माहौल खराब करने की स्थिति हो गई? हाँ देखिए, आसाम का सवाल बिल्कुल अलग था। आसाम में जो आसाम रिपोर्ट हुआ था, उस रिपोर्ट के अनुसार लोगों का ये डिमांड है कि वहाँ पर जो आसामीज आइडेंटिटी है, जो उनकी खुद की एथनिसिटी है, जो वहाँ पर इंडिजिनियस लोग हैं, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। उसमें NRC एक उसका पार्ट था, NRC वहाँ पर एक इंक्लूजन का प्रोसेस था। 20 लाख लोग वहाँ बाहर हुए, आसाम की जनता नहीं दे रही थी उनको डिटेंशन सेंटर में डालकर, लेकिन ये सरकार अब CA भी लाकर वहाँ की भी जो एस्पिरेशन है उसको भी फील कर रहा है। तो देश भर में ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहता है, जो आसाम के लोगों का सबसे पहली बात मुद्दा था ही नहीं। तो ना तो आपने उस मुद्दे को पूरा किया और बल्कि देश के अंदर और आपने आग लगा दी। आखिरी सवाल मेरा, 2016 में इस बिल को लाए थे लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ था, ये फिर क्या लगता है इस बार भी यही होने वाला? देखिए अब हम लोग सेक्युलर पार्टी से तो उम्मीद खो चुके हैं, लेकिन अगर ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट भी पास होता है तो इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और मैं नहीं मानती कि सरकार भी इसको रोक पाए। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।